हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज हमजा अल्ताफ फ्रॉम सूप.io। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस तरह से आप हमारे सिस्टम में अपने किसी स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जो है वो बना सकते हैं उसके लिए, और उसके वाउचर पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर वाउचर, जैसे मैं अभी देखता हूँ तो स्टूडेंट की प्रोफाइल के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है वो वाउचर्स नज़र आ रहे हैं उसके। इस टाइम पे यहाँ पे अप्लाई स्कॉलरशिप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बट जैसे ही उस पर क्लिक होता है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि कोई स्कॉलरशिप अभी क्रिएट नहीं किया गया है। ठीक है जी, तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे स्कूल सेटिंग्स के अंदर। स्कूल सेटिंग्स में आप देखेंगे स्कॉलरशिप टाइप्स होगा, आप स्कॉलरशिप टाइप्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सपोज करें जी, मैं मेरिट स्कॉलरशिप कह देता हूँ इसको, और 500 रुपये हम इसको रख देते हैं। ठीक है जी, मैंने वो क्रिएट किया। अब उसके बाद जो है मैं जा रहा हूँ वापस उसी बच्चे की प्रोफाइल के अंदर। अब मैं ये वाला स्कॉलरशिप इस बच्चे पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आप जब एक बार अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप, आमतौर पे जो स्कूल में बच्चा जिसको स्कॉलरशिप लगता है उस पर वो आमतौर पे थ्रू आउट द सेशन लगा रहता है। तो अगर आप यहाँ मेरिट स्कॉलरशिप पे क्लिक किया मैंने, अभी बच्चे की फ़ीस 2000 रुपये है, 500 रुपये हमारा स्कॉलरशिप है। तो जैसे ही ये फी अप्लाई होगा तो बच्चे की फ़ी 1500 हो जाएगी। इसका ही इम्पैक्ट आपको जो है वो वाउचर के अंदर भी नज़र आएगा, इसके साथ साथ ही अगर आप देखना चाहेंगे। उससे पहले ये कि ये स्कॉलरशिप जो है ये अब अवेलेबल होगा, आप जब भी आगे आप वाउचर जनरेट करेंगे इस बच्चे के ऊपर ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी लगा हुआ होगा, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर आप हम प्रिंट वाउचर करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पे स्कॉलरशिप आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ट्यूशन फी है 2000 रुपये जो हमने सेटअप की थी, और स्कॉलरशिप जो है वो 500 रुपये है। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आ सकता है यहाँ पे वो ये है कि किस तरह से जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो रिमूव किया जा सकता है। लेट्स से गलती हो गई है तो आप एडिट वाउचर में जाकर यहाँ से स्कॉलरशिप के ऊपर जाकर के उसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप रिमूव करेंगे तो वापस उसकी फीस वापस आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।